नमस्कार दोस्तों, हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर मैं निखिलेश जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, सुपर बैट रैपिड एंड ब्लिट्स टूर्नामेंट से बड़ी खबर आई है। बुकारेस्ट रोमानिया से आनंद ने तीसरे दिन की शुरुआत की है फाबियानो करवाना पर जीत दर्ज करके। विश्व नंबर दो फाबियानो करवाना पर आनंद ने सफेद मोहरों से एक बेहतरीन जीत दर्ज की है और फिलहाल अभी बाकी परिणाम तो नहीं आए हैं। जो ताजा स्थिति है, आनंद जो है संयुक्त तो बढ़त पर पहुंच गए। हालांकि अगर कोरोबो एक अंक भी बना लेंगे या तो वो जो है बराबरी पर आ जाएंगे, पर अच्छी बात यह है कि मेरे ख्याल से दूसरे स्थान तक तो जो है पहुंच ही गए हैं और बेहद अच्छी जीत रही है। आइए देखते हैं मुकाबला। E4 से शुरू हुआ गेम, यहां पर E4, E5, Nf3, Nc6, Bc4, Nf6, मतलब यहां पर आप कह सकते हैं कि टू नाइट्स डिफेंस जो है वो खेला यहां पर D3, और जैसा कि हम देखते हैं कि यूजली ये कन्वर्ट हो जाता है Bc5 करके इटालियन में, बट इस बार करवाना जो है वो उन्होंने वैसा नहीं किया। उन्होंने पहले किले खेला H6, ओके। आनंद ने जवाब दिया C3, D6। D6 का डिसीजन बहुत ही थोड़ा सा चौंकाता है, क्योंकि आपको लगेगा कि ये तो बिशप जो है वो अंदर ही रह गया। डाटाबेस में भी जाएंगे तो 870 गेम्स है, जिसे मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा खेला गया है, ओके। और डेफिनेटली अगर आप इसको यहां से बंद करते हैं और इस बिशप को ओपन करते हैं, तो आपका मतलब साफ है कि कभी ना कभी आप यहां पे G6 या G5 खेलने वाले हैं, जैसा कि G5 लाइन है, ताकि बिशप जो है इधर से खेलेगा, ओके। देखते हैं आगे क्या हुआ। आनंद ने खेला नाइट Bd2 और यहां पर करवाना ने खेला G5। आनंद एक्चुअली नेपोमनिस्की से एक मुकाबला हारे हैं इसी साल जून में, और उस मुकाबले में आनंद ने यहां पर H3 खेला था ताकि G4 को आने से रोका था। इस बार आनंद ने G4 अलाउ किया और आनंद ने खेला यहाँ पर Nf1, जो कि एक नई चाल थी आनंद की तरफ से। अब आइडिया ये है कि ये जो नाइट है वो G3 पर भी जा सकता है और जरूरत पड़ने पर E3 जाकर के D5 को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि इस पोजीशन में अधिकतर D5 से एक ब्रेक आएगा ही आएगा ब्लैक की तरफ से, ओके। अब देखते हैं आनंद ने जवाब, तो उन्होंने खेला यहाँ पर फाबियानो करवाना ने खेला G4, आनंद ने यहाँ पर खेला Nd3 d2। अगर आप, क्योंकि नाइट h4 वगैरह जाते हैं, तो आप हमेशा याद रखिए कि एक तो d5 आएगा ही, और हमेशा ये जो डायगोनल है यहाँ पर आपको एक टेंशन रहेगा, क्योंकि नाइट ये वेल प्लेस नहीं रहेगा और बिशप के लिए, क्योंकि ये जिस तरह की पोजीशन है, आप अगर नाइट f5 वगैरह कभी जाएंगे तो बिकॉज ब्लैक जो है वो किंग साइड अटैक करना चाहेगा, तो वो बिशप इंटू f5 भी मार सकता है, जो उसके लिए कन्वीनियंट हो सकता है। तो यहाँ पर Nd3 d2 जो है वो बेटर मूव है, क्योंकि ये आप मान लीजिए कि अगर अपोनेंट ने इस तरह से खेला है तो वो अपने स्ट्रक्चर के साथ पहले ही समझौता कर चुका है और वो आक्रमण करने के लिए तैयार है, भविष्य में F5 वगैरह भी आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर आनंद जो है वो अपने मोहरों को जो है आसानी से एक्सचेंज नहीं कर रहे थे, और आप देखिए किस तरह से आनंद ने बहुत अच्छा खेल खेला आज, ओके। D5 ब्रेक आया, आनंद ने खेला Nd5, Nd5, नाउ Ne3, ये ऑलमोस्ट फोर्स है यहाँ पर, क्योंकि आप देखिए कि G4 पर भी थ्रेट है तो मारना फोर्स है, Fe3 एंड नाउ F5, और ये जो पोजीशन ये पूरी तरह से नई पोजीशन है यहाँ पर। एक बार फिर मुझे कई बार ऐसा लगता है कि कई बार कई खिलाड़ी आनंद को कभी कभी हल्के में लेने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पे आनंद उनको एक लेसन सिखा देते हैं कि कितना डीप नॉलेज है आनंद को। कई बार वो दिखा देते हैं कि एक्सपीरियंस जो है वो सबसे बड़ी चीज होती है, और आनंद ने यहाँ पर कासल किया। देखिए पॉन स्टो मारा है यहाँ से, जो कि करवाना चाहते हैं, और आनंद ने कैसल किया। क्यों किया? क्योंकि आपको देखना चाहिए कि ब्लैक का जो किंग है वो सेंटर पर है, और अभी ऑलमोस्ट जो है आप देखिए कि 6 मोहरे 6 पीसेस नाइट्स को अलग कर दें तो सब के सब अपने स्टार्टिंग स्क्वायर पर बैठे हुए हैं, और ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और कभी भी अगर सेंटर ओपन होने करने में आनंद कामयाब होंगे सेंटर को फिक्स करने के बाद, तो ये दिक्कत बढ़नी है यहाँ पर करवाना की। तो यहाँ पर आनंद ऑलरेडी स्लाइट बेटर हो चुके थे, उन्होंने खेला Bd6 करवाना ने, आनंद ने यहाँ पर सेंटर ओपन करने की तैयारी शुरू की। तो सबसे पहले खेला D4, ओके। अपोनेंट ने यहाँ पे जवाब दिया Qe7। अब यहाँ पर करवाना का जो बेसिक आइडिया है कि वो जल्दी से जल्दी अपना बिशप निकाल के लॉन्ग कैसल करके आनंद के ऊपर इन पॉन स्टोन से पूरा अटैक करना चाहते हैं, लेकिन कितना टाइम है उनके पास ये इंपॉर्टेंट है। इस पोजीशन पे जो आनंद ने मूव खेली वो वाकई बहुत अच्छी मूव थी, और मुझे लगता है कि वो बेस्ट मूव कहूंगा मैं E4। दरअसल E4 ने क्या किया कि आपको फोर्स कर दिया कि आप F वाला पॉन मूव करिए, ओके, क्योंकि नहीं या तो मारिए तो फाइल ओपन हो जाएगी, तो उसके बाद Nd4 तो पोजीशन जो है, क्योंकि आपका तो कैसल नहीं है, Nf6 पे भी थ्रेट आएगा यहाँ पे, आप देख सकते हैं अगर एक्सचेंज करेंगे तो ओके। तो उन्होंने खेला F4, और यही से आनंद जो है पोजीशन को पकड़ना शुरू करते हैं। पहली गुड मूव खेलते हैं Bd5। अब Bd5 के दो थ्रेट हैं, एक तो
ये नाइट को हम पॉन मार के डबल कर देंगे। दूसरा C4 का खाना खाली हुआ है जहां पर नाइट C4 जंप करके E5 पर प्रेशर डालेगा, और जैसे ही पोजीशन ओपन होगी, ये जो D5 ओपन होने की तैयारी चल रही है, आप देख सकते हैं कि यहाँ तो आप कैसल कर ही नहीं सकते हैं किंग साइड, तो सेंटर जो है वो ओपन होने से किंग फिक्स हो जाएगा कि किंग जो है वो सेंटर पर रहने वाला है। ओके H5, ओके यहाँ पर अगर आप देखें कि E*D4 मारते तो बिशप इंटू C6, Bc6, Cd4, ये पोजिशन जो है ये व्हाइट के लिए ही बेटर है, तो शायद ये खेला नहीं, पर ओके कोई बहुत बुरा नहीं कहूंगा ब्लैक के लिए, लेकिन ब्लैक को यहाँ पर स्ट्रगल करना पड़ेगा। F3 एक मूव जरूर हो सकता था, पर F3 पर भी नाइट C4 व्हाइट तो मारने से रहा, व्हाइट तो मारने के लिए जाएगा नहीं क्योंकि ये फाइल ओपन हो जाएगी, तो व्हाइट वेट करेगा। पर अगर आप यहाँ पे देखें E*D4, Nd6, Qd6, Cd4, ये पोजिशन व्हाइट के लिए कंफर्टेबल है, मतलब व्हाइट ही बेटर आ रहा है हर पोजीशन में, इसीलिए करवाना के लिए आसान नहीं था, एक रैपिड मुकाबले में सोचना। तो उन्होंने खेला यहाँ पे Bd5 के बाद H5, मतलब पॉन स्टोन कंटिन्यू किया। आनंद का जवाब आया Nc4, और अब आनंद का थ्रेट बिल्कुल क्लियर है, E5 पर मारने के साथ ही वो फाइल ओपन करना चाह रहे हैं, C6 पर एक्सचेंज कर सकते हैं, D6 पर एक्सचेंज कर सकते हैं, तो अल्टीमेटली कंफर्ट आपको डिसकंफर्ट करना है। और आप ध्यान रखिए कि इस पॉन का जो कि आप पॉन देख सकते हैं F4 पे जो पॉन है इसका बेस क्या है जो सपोर्ट कर रहा है E5, तो जैसे ही E5 बोर्ड पे जाएगा F4 कमजोर पड़ जाएगा, और वही हुआ। आनंद ने यहाँ पर इन्होंने खेला, करवाना ने खेला रुक F8, आनंद ने खेला D*E5, और यहाँ पर बिशप इंटू E5 मारना ऑलमोस्ट फोर्स है, क्योंकि अगर आप नाइट इंटू E5 मारने के लिए आते हैं तो नाइट D6 चेक आएगा, क्वीन D6 और नाउ बिशप F4, और ये जो पोजीशन है ये पोजीशन आप देख सकते हैं कि कितनी बेहतर हो चुकी है। ऑलरेडी पॉन अप है, डबल बिशप है, सेंटर है, आप यहाँ पर अगर डेवलपमेंट करने के लिए Bd7 वगैरह खेलते हैं तो एक और एक्सचेंज इस तरह से आपको देखने के लिए मिल सकता है, रुक F1, क्वीन F1 और F7 पे आप देखिए प्रॉब्लम है आपको, आप ज्यादा कुछ भी करेंगे इस पोजिशन में तो ये पोजिशन जो है बेटर होती जाएगी आनंद के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कैसल भी टूट गया है, पॉन भी अप है, सेम कलर बिशप है, तो डेफिनेटली विनिंग पोजिशन आ जाती है यहीं पर। खैर तो इसीलिए D*E5 पर जवाब दिया करवाना ने Bd5 सॉरी तो आनंद ने जवाब दिया Nd5, बहुत ही नेचुरल है। यहां पे भी एक बार फिर अगर आप Nd5 आते हैं तो रुक F4 वाइट क्लियर बेटर है, इसीलिए उन्होंने खेला Qe5, जब तक F4 बच रहा है तब तक बचाया जाए। आनंद ने यहां पर खेला Qd2, अब ये लास्ट चांस है, अगर आपको यहां पर कुछ करना है तो कई चांस हो सकते हैं, एक F3 आप बढ़ दीजिए पॉन को बचाते हुए, पर प्रॉब्लम यह है कि बिशप C6, Bc6 और क्वीन H6, और इसके बाद ये पोजीशन आपके लिए बचती नहीं लग रही है क्योंकि किंग सेंटर पर है और पॉन स्ट्रक्चर पूरी तरह से खराब हो चुका है। आप क्वीन इनटू E4 भी नहीं मार सकते क्योंकि इस तरह की चाल आ जाएंगे तुरंत, बिशप E3 आप मार नहीं सकते हैं, और तो उसके बाद रुक E1 भी आ रहा है, तो अल्टीमेटली ये वेरिएशन तो काम करेगा नहीं। अगर Bd7 खेलते 19th मूव में तो यहाँ पर रुक इनटू F4 बिल्कुल सिंपल, और लॉन्ग कैसल आप करते हो अगर तो क्वीन F2, वंस अगेन पॉन अप, डबल बिशप, पोजीशन बेटर, तो कोई वेरिएशन समझ नहीं आ रहा था। अच्छा अगर स्ट्रक्चर बचाने के लिए नाइट E7 खेलते कि चलो स्ट्रक्चर बच जाए, बट वहां पे प्रॉब्लम ये है कि रुक F4 अगर आप एक्सचेंज भी करते हैं तो आप देखिए इस तरह से किंग रुक F8, किंग F8, Ed5, वंस अगेन पॉन अप और बेटर पोजिशन, तो कोई वेरिएशन नहीं था ऐसा जहाँ पे करवाना कुछ भी कवर अप कर पा रहे हो, तो उन्होंने इसीलिए यहाँ पे डिसाइड किया कि PC निकाल लेते हैं, तो उन्होंने यहाँ पे बिशप E6 निकाला ताकि मोरा एक्सचेंज हो, पर आनंद यहाँ पर बिल्कुल कैलकुलेट कर चुके थे और उन्होंने डिसाइड किया सेम कलर बिशप एंड गेम में जाना विद द रुक, हाथी के साथ सेम कलर बिशप पे जाना तय किया और रिजल्ट भी बहुत अच्छा निकाला। सबसे पहले पॉन स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय किया और उसके बाद सिंपल पॉन लेते हुए यहाँ पर आप कैस कुछ कर नहीं सकते कैसल क्योंकि क्वीन ने कट ऑफ किया हुआ, तो रुक इनटू F4 खेला आनंद ने, Bc6 और उसके बाद रुक इनटू F4, क्वीन इनटू F4, क्वीन इनटू F4, बिशप इनटू F4। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं असेसमेंट करेंगे पोजीशन का, आनंद का पॉन स्ट्रक्चर अच्छा है, एक पास पॉन है, अपोजिट कलर बिशप जरूर है लेकिन अपोनेंट का जो पॉन स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय है क्वीन साइड। यहाँ पर लॉन्ग कैसल किया रुक को एक्टिवेट करते हुए, तो आनंद यहाँ पर खेला King F2, ओके जवाब दिया Rd3। एक्चुअली में यहाँ पे जो ज्यादा बेटर मूव होती वो होती Rf8 खेलना चाहिए था, Rd3 जो है उसके बाद रुक थोड़ा सा फंस गया और वहीं पे गेम लॉस हुआ, थोड़ा यहाँ पर एक्टिविटी रखते तो शायद चांस बनता कहीं से ड्रॉ करने का, हालांकि बहुत मुश्किल है। यहाँ पे भी जो करवाना ने प्लान बनाया वो और जल्दी उनके गेम को खत्म करके चला गया, Rd3। आनंद ने खेला यहाँ पर Rc1, आइडिया ये है कि कभी भी बिशप C4 वगैरह आएगा तो B3 ब्रेक देने में आसानी होगी, और जो प्लान उनका दिख रहा था करवाना का उन्होंने खेला C5,
आनंद खेला किंग ई टू, किंग को और नियर लेकर के आए। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये रहेगा कि जब भी आप सी फोर तो कर दिया, अब यहाँ पर प्रॉब्लम वही रहेगा कि जब जरूरत पड़ेगी तो बी थ्री ब्रेक देने की तैयारी रहेगी, क्योंकि आप मार नहीं पाएंगे क्योंकि रुक पर सपोर्ट नहीं है। आनंद खेला बिशप ई थ्री, अभी ए सेवन पर अटैक है तो जवाब दिया बी डी सेवन। ओके, और आनंद ने यहाँ पर एक देखिए बहुत अच्छी चाल खेली। अगर आप यहाँ पर सीधे मारने जाते हैं बिशप इंटू ए सेवन, तो बिशप सी सिक्स आप पॉन जो है अगर आप बचाएंगे ई फोर, तो ये बेटर हो जाएगी पोजिशन, और इक्वल हो जाएगी पोजिशन, क्योंकि ये डायगोनल थोड़ा सा आपका कमजोर है, ध्यान रखिए ये जो। तो आनंद ने इसका बराबर ध्यान रखा, तो पहले बिशप इंटू ए सेवन कोई जरूरत नहीं है, जो चीज वीक है वो बाद में भी वीक रहने वाली है। सबसे पहले अपने रुक को एक्टिवेट किया, रुक एफ वन से ओपन फाइल बोर्ड पर जो एक ही जो प्रॉपर काम कर रही है वहां पे अपना रुक लेकर के आए। तो बिशप सी सिक्स, रुक एफ फोर, तो पहले तो स्टॉपेज किया, और अब बिल्कुल क्लियर प्लान है कि जैसे ही मौका मिलेगा बी थ्री करेंगे और इस रुक को परेशान करके या तो एक पॉन पॉन लेंगे। ओके, तो ए सिक्स आनंद ने खेला, बी डी फोर, ए फाइव, बी थ्री। तो अब आप देखिए कि बिशप बी फाइव जो फोर्स है, वरना पोजीशन और चली जाएगी। खैर, रुक एफ फाइव, गुड मूव आनंद ने खेला, सी सिक्स ओनली मूव, एंड नाउ ए फोर, बिशप ए सिक्स, रुक इन टू ए फाइव। आप देखिए धीरे धीरे सारी पॉन मर रही है, और यहाँ पर रिजाइन कर दिया करवाना ने। तो आनंद के लिए बेहद शानदार जीत। और खैर आप बता दूं कि आपको शायद मेरे पीछे से पटाखों की आवाज़ आ जा रही हो, क्योंकि ग्यारस का त्यौहार है यहाँ पर, छोटी दिवाली कहते हैं मध्य प्रदेश में से, तो लोग इसकी खुशियां मना रहे हैं। और आनंद ने एक बेहतरीन, मुझे लगता है कि आज तोहफा दिया है भारतीय लोगों को। आज त्यौहार मनाया जाता है भारतवर्ष में बहुत सारी जगह, तो बहुत अच्छी बात। और इस जीत के साथ आनंद फिलहाल अंक तालिका में सीट्स पर पहुंच गए हैं। अगर कोरोबो हार जाएंगे तो आनंद सीट्स पर बने रहेंगे, और यहाँ पर ये बात भी होगी कि अगर अनीश गिरी भी जीतते हैं तो वो भी ऊपर आ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है सेकंड स्पॉट पर आनंद जरूर पहुंच गए हैं। और आज दो और मुकाबले खेले जाने हैं, अगर आनंद उन दो में जीतते हैं तो मुझे लगता है टूर्नामेंट भी जीत सकते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होगा, देखते रहिए चेस विद इंडिया। चेस विद इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन, जय हिंद।